वेलकम टू जस्टबल क्लासेस। आइए बच्चों फिर स्टार्ट किया जाए समाकलन। समाकलन का दो लेक्चर, तीन चार लेक्चर हो गए हैं, ये पांचवा लेक्चर है। ठीक है, ये पांचवा लेक्चर है। मैंने क्या बताया था अभी, प्रतिस्थापन बताया था। अब उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे और उसी के बेसिस पे दो तीन क्वेश्चन स्टैंडर्ड बेस पे बनते हैं, उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, रेडी हो? एक इसी का पाठ है, प्रतिस्थापन का ही पाठ है। एक्चुअली प्रतिस्थापन बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसी का पार्ट है, उसको स्टैंडर्ड पार्ट है, उसी में कुछ सीखने जा रहे हैं। पहले इसमें क्या करोगे, फार्मूले बेस पे चलोगे, फिर आगे चलोगे, फिर फार्मूला। इसमें जो करने जा रहे हो, फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना जान लो। फार्मूला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, फार्मूला है। फार्मूले के बाद तुम आगे चलोगे। ठीक है, तो कुछ फार्मूले लिखवाते हैं, जैसे समाकलन ऑफ डीएस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाता है। समाकलन ऑफ डीएक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है, उसका क्या होता है, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए प्लस ए। कहानी खत्म। समाकलन ऑफ डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अब अगला इंटीग्रेशन आता है, इसको नोट डाउन। सभी फार्मूले को जो पढ़ने जा रहे हो ना, उसे फार्मूले का रोल समझ लो 80% है, 80% फार्मूले का रोल है, समझ रहे हो चैंपियन? 80% किसका रोल है, फार्मूले का। अगर फार्मूले अच्छे से याद है तुमको तो सारा तुम कर ले जाओगे, फार्मूला नहीं याद है तो दिक्कत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना, फिर दिक्कत हो जाएगा। देखो इसी का भाई होता है एक, इसी का भाई होता है एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, तो उसका क्या होता है, उसका भी वन बाई टू ए ही होता है, बस अंतर क्या होता है, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। कहानी खत्म, कहानी खत्म। ऐसे याद करो कि डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर यहां पर आता है ना, तो एक्स स्क्वायर यहां पर आता है तो यहां एक्स आता है। ठीक है, माइनस ए प्लस वन प्लस ए। ठीक है, अब यहां जब ए आ जाता है ना तो ए प्लस एक्स आ जाता है ऊपर, ए माइनस एक्स नीचे। ठीक है, पहले जो यहां रहता है वही चीज यहां यहां आता है। देखो यहां x है तो यहां यहां x आया है, यहां a है तो यहां यहां a आया है, यहां x माइनस x प्लस a हो जाएगा मेरे चैंपियन। बताओ सही है, सही है, बता देना, इतना सही है ना। मान लो एक और देखो, dx अपन x स्क्वायर अपन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। कितना हो जाएगा, वन बाई डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स प्लस ए हो जाएगा। कहानी खत्म हो गया, कितना हो जाएगा, वन बाई ए डीएक्स अपॉन इतना हो गया, कहानी खत्म हो गया। बताओ इतना ठीक है ना, dx अपन कितना हो जाएगा, 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई एक्स अपन ए हो जाएगा प्लस सी हो जाएगा। समझे कि नहीं, बोलो भाई, कहानी खत्म हो गया ना। चलो आगे, आगे लेते हैं। डीएक्स अपन अगला फॉर्मूला तुम्हारे सामने आता है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, लॉग क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, देखो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। समझे चैंपियन, ये डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया है, तो क्या हो जाएगा, लॉग अंडर रूट एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस एक्स एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज ए आंसर।
यही इसका फॉर्मूला होता है, बताओ ये इसका होता है। और एक देखना, अगर इसी में ऐसे दे दे, डीएक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, कहानी खत्म। डीएक्स अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। देखो मेरे भाई, मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये अंडर रूट है तो यहां अंडर, ये तो सेम आता है, ये तो सेम आ जाता है, जो यहां पर रहता है वही वहां पर जाता है, और ये x आ जाता है, x log x प्लस अंडर रूट इतना, बस यही log x याद करना है, प्लस ये तो उठकर यहां चला जाता है, अगर ये दिया तो log x ये उठकर यहां चला गया। बताओ कुछ और भी याद करने वाली बात है? कुछ नहीं याद करने वाली बात है, बस इतना ही तो है, इतना ही है ना मेरे चैंपियन, बोलो इतना ही है कि नहीं? और कुछ तो याद ही नहीं करना है, यहां दिया जो यहां यहां दिया वो यहां आ जाएगा, बस तुमको x याद करना है दोनों में, यही नहीं याद करना है? अगर एक ऐसे फार्मूला बन जाता है मेरे प्यारे भाइयों, एक फार्मूला आता है ऐसे, प्लस c लगा लेना, ये मत कहना सर जी सी यू नहीं लगा रहे, c लगा लेना अपना, वन बाई ए साइन इनवर्स वन बाई सॉरी सॉरी वन बाई ए नहीं होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है इसका फॉर्मूला। अगर अंडर रूट में दिया है डीएक्स अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। मेरे भाई ये दिया रहेगा तब ये लगाते हैं, लेकिन इसमें इसमें अंतर है, यहां एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यहां क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाइयों, सही है ना, ध्यान से देखना कितना आएगा। चलो देखो आगे आगे देखो, आगे आते हैं इसके क्वेश्चन पे, फॉर्मूला हो गया, आप क्वेश्चन पे आते हैं मेरे चैंपियन, इस पे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, ये एक प्रतिस्थापन का ही पाठ है मेरे भाई, प्रतिस्थापन का ही पाठ है, देखो क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा टॉपिक है ना कोई समाकलन में तो प्रतिस्थापन है, इतना जान लो, और सब छोटे छोटे टॉपिक है लेकिन प्रतिस्थापन बहुत बड़ा टॉपिक है। अगर जिसको ये आ गया मेरे चैंपियन, तो वो हर सब्जेक्ट हर समाकलन में धुआं धुआं कर देगा, समाकलन के हर एक टॉपिक में इसका यूज होगा, इतना जान लो, समझ रहे हो ना, समाकलन के हर एक टॉपिक में इसका यूज होगा। चलो देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स क्यूब का स्क्वायर लिख सकते हो इसको, जब ये लिख सकते हो तो टी ले लो यहां पे, तो डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, ये जाएगा नीचे, ये डीएक्स हो गया, ये डीएक्स हो गया ना, ध्यान से देखना अब, यहां देखो थ्री एक्स स्क्वायर इसी तरह रहेगा, ये माने थे ना, माना माना था ना, माना तुमने ना टिट्टी चिल्डू इतना, तो ये क्या लिखोगे, डीएक्स ही वैल्यू डी टी अपॉन, यानी थ्री एक्स स्क्वायर से थ्री एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इंटीग्रेशन वन प्लस। अब देखो वन प्लस वन अपॉन वन प्लस टी स्क्वायर किसका होता है, टेन इनवर्स टी,
जो मेरी क्रॉस कर रहा होगा उसको ये एकदम क्लियर होगा ये सब। मेरे भाई ध्यान से एक बार और चलते इस क्वेश्चन पे, पहला क्वेश्चन है, एक बार और चलते क्वेश्चन पे। देखो मैंने क्या किया, मैंने देखा 3x² लिखा है, तो हम जानते हैं कि एक्स क्यूब का अगर अवकलन करेंगे ना 3x² आ जाएगा। हम इतना जानते हैं कि अगर एक्स क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3x² आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताओ? आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा यार। थ्री उसका अगर वो करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3x³ का अगर अवकलन करोगे तो 3x² आ जाएगा ना। चलो तो मैंने क्या बना लिया, ये 6 को ऐसे लिख सकते हैं। मेरे भाई मेरे चैंपियन इतना जान लो, अगर ये एक्स 3/2 लिखा है ना, तो इस पावर का यहां इंटू होता है, यानी एक्स के पावर 6 सेम होता है। अगर ये लिखा है तो इसका इंटू करेंगे तो एक्स के पावर 6 हो जाएगा ना, तो वही एक्स के पावर 6 हो जाएगा। एक्स के पावर 6 लिखा है तो ऐसे नहीं लिख सकते हो इसको, जब ऐसे लिख सकते हो तो कहानी खत्म। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, जब मैंने ऐसे लिख दिया तो यहां देखो इसको मैंने टी लेट कर लिया, t=x³ हो जाएगा, dt अपॉन dx क्या हो जाएगा 3x², dt=3x² = dx, तो 3x² कट गया, इंटीग्रेशन 1/1 + t² dt, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स t हो जाएगा। tan इनवर्स t किसको, t किसको लिए थे, x³ को लिए थे। x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो भाई, x³ की वैल्यू क्या हो जाएगी, x³ हो जाएगी, काहे कंफ्यूज, t की वैल्यू x³ हो जाएगी ना, तो हो गया कहानी खत्म इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोलता है मेरे प्यारे भाई, चलो इसका करो जल्दी से बना दो मेरे प्यारे मित्रों, इसका जल्दी से बना दो, इसका तो जल्दी से बना दो प्यारे भाइयों, जल्दी से बनाओ। कमेंट सेक्शन में बताओ किसका आंसर आया है। बोलो किसका सही आया है, जल्दी से बताओ। चलो देखो, चलो देखो, अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको 2x² लिख सकते हो, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं यार, 2 का स्क्वायर देखो, इसका स्क्वायर करो 4 आ जाएगा, x² आ जाएगा, लिख सकते हो ना ऐसे मेरे भाई। जब 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, 2 का जब वर्ग करते हो तो 4 आता है, ये x² हो जाएगा ना चैंपियन। तो देखो यहां से जल्दी से, जब हो जाएगा तो इसके अंदर वाले क्या लेट कर लो, t = 2x, तो dt/dx कितना आ जाएगा, dt/dx dt/2 = क्या हो जाएगा, dx dt/2 = क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन देखो, वन बाय टू बाहर, अब देखो इसका क्या होता है बताओ जल्दी से। इसका फॉर्मूला a² मैंने लिखवाया था, अभी लिखवाया था कि मेरे चैंपियन 1/ ये लिखा हो a² + x² तो क्या हो जाएगा, तुम कहोगे सर log x√a² + x², यही ना लिखवाया था चैंपियन, तो कहानी खत्म इसका। इसका कहानी देखो, यहां x था तो यहां x था, यहां t है तो dt है, तो 1/2 log t + √1 + t², कहानी खत्म हो गया इसका। 1/2 log t की वैल्यू बताओ क्या लिए थे, t को 2x लेट किए थे ना,
एक्स को टी लेट किया था ना, बस यहां रख दो। कहानी खत्म, समाकलन का कहानी खत्म हो गया। चलो देखो आगे आगे ले। हाँ बोलो भाई, चलो आगे लेते हैं। चलो आगे लेते हैं, टू माइनस एक्स डीएक्स, वन अपॉन अंडर रूट टू माइनस एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वन डीएक्स। इसका करो चैंपियन, जल्दी से बना दो। अरे यार इसको टी लेट कर लो ना, मान लो ये टी है, इसके अंदर वाले काम हो जाएगा। अब इतना हिंट कर दिया, बना के दिखाओ हमको, बना के दिखाओ। सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठे हो ना? अगर पेन कॉपी लेके नहीं बैठे हो तो ये समझ जाओ तुम अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ बनाने वाले लड़के नहीं सर, हमको क्या चाहिए, हमको 90+ लाने वाली लड़की चाहिए। समझ रहे हो ना, हमको 90+ लाने वाले लड़के चाहिए। तो बेवकूफ मत बनाओ, बेवकूफ बनाने से 90+ नहीं आएगा। उससे तुम, मेरा दिल तो टूटेगा ही टूटेगा, तुम्हारे पेरेंट्स का भी दिल टूट जाएगा कि हम बच्चे को मोबाइल दिए थे पढ़ने के लिए, वो कुछ और कर रहा था। तब विश्वास उठ जाता है मेरे भाइयों। यही सब गलतियां तुम लोग करते हो लाइफ में, यही गलतियां अगर नहीं करते ना, सभी अच्छे नंबर से पास होते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठो, इसको बनाओ। जल्दी से बनाओ इसको। चलो देखो देखो ध्यान से, इसको क्या लेट करेंगे, टी टी इक्वल टू टू का जीरो, ये एक्स का वन, इसका मैंने माना टी इक्वल टू टू माइनस एक्स, मैंने अवकलन किया, डीएक्स इक्वल टू माइनस डी टी आ गया, पुट कर दो यहां पे। इसको मैंने टी माना, टी स्क्वायर प्लस वन, डीएक्स की जगह माइनस डी टी, तो माइनस बाहर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग टी प्लस अंडर रूट टी की वैल्यू बताओ। टू माइनस एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा माइनस लॉग टू माइनस एक्स प्लस अंडर रूट टू माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। बताओ इतना हो जाएगा ना, बोलो चैंपियन मेरे भाई, इतना हो जाएगा। किसी को डाउट है इसमें, एनीवन प्लीज डाउट है तो बोल दो, नहीं डाउट है चले आगे, चले आगे, इसमें तो डाउट नहीं होगा तुम लोग को। चलो आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं।
हाँ इंटीग्रेशन करो, समाकलन करो इसका, इसका करो, एक बार ट्राई करो, एक बार ट्राई करो। देखो इस फॉर्मूले पे है, ऐसा बनाने कोशिश करो, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए आंसर, प्लस सी हो जाएगा आंसर, यही फॉर्मूले पे है, उसको सॉल्व करो, उसको सॉल्व करो, कितना आएगा? सॉल्व करो भाई, चलो देखो यहां देखो, थ्री का स्क्वायर लिख सकते हो, फाइव एक्स स्क्वायर बोल सकते हो, फाइव एक्स का स्क्वायर माना, डी टी अपॉन डी एक्स करोगे, ये देखो ये फाइव यहां पे डीएक्स यहां पे, मतलब डीएक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी बाई फाइव, चलो पुट करो, माइनस अब इसको टी ले लेंगे, ठीक है स्क्वायर डी टी अपन फाइव, डी टी अपन क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा, तो वन अपन फाइव ऊपर, देखो यहां x था तो यहां dx था, यहां t है तो यहां dt है, तुम्हारा तो काम बन गया, इसका कर दो, कितना हो जाएगा साइन इनवर्स t बाई a, एक जगह क्या है थ्री है प्लस c, अब जिसको लेट की हो जिसको माने हो तो लास्ट में हटाना पड़ता है ना उसको, तो किसको t लिए थे, कहानी खत्म हो गया, इसी को रखते लिए थे, कहानी खत्म, बोलो इसी को टी लिए थे तो कहानी खत्म हो गया, चलो मेरे भाई ये कंसेप्ट समझ में आया, क्लियर हुआ सारा कुछ, सारा कुछ इसमें एक एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया ना, आगे चले, आगे चले, सब कुछ क्लियर है इसमें, आगे चले, अगर थोड़ा सा भी डाउट हो रहा कमेंट सेक्शन में बोल देना कि डाउट है, ठीक है चैंपियन, थोड़ा भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कि डाउट है, चलो आगे, आगे देखो लिखा है एक क्वेश्चन ऐसे है, सेक स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर हो जाएगा, सेक स्क्वायर अपॉन अंडर रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर टेन हो जाएगा, चैंपियन एक बार ट्राई करो, देखो टेन को टी लेट करो आ जाएगा, मानो टेन को टी है,
चलो देखो आगे आगे देखो, इसको क्या बोलते हैं? टी माना टी इक्वल टू 10x, डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? डी टी अपॉन टेन एक्स का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। अब डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, सेक को नीचे भेजो, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। समझे मेरे भाई? डी टी अपॉन डी एक्स निकालोगे, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब पुट करो यहां पे, टी को टी लिए हो टी स्क्वायर, और यहां टू का स्क्वायर लिख सकते हैं, डीएक्स की जगह क्या पुट करेंगे? डी टी अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर कैंसिल, डी टी अपॉन कितना हो जाएगा? अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू, टू का स्क्वायर, डी टी अपॉन अंडर रूट टी का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है बोलो चैंपियन? लॉग टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस सी। क्या माने थे? क्या माने थे? टी किसको टी लिए थे? तुम कहोगे सर हम तो सेक स्क्वायर टेन को टी लिए थे, टेन एक्स को टी लिए थे। किसको टी लिए थे? टेन स्क्वायर टेन टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर प्लस टू टू का स्क्वायर। कहानी खत्म। टी लिए थे टेन एक्स को, इसलिए टी की जगह टेन एक्स पुट कर दिया। कहानी खत्म हो गया ना। अब चलते हैं आगे। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, उसको ध्यान से समझना होगा, फिर आगे पढ़ना होगा, फिर आगे पढ़ना होगा। चलो हम समझाते हैं। हम समझाते हैं पहले जानो परफेक्ट स्क्वायरिंग। मेरे भाई बचपन में ये बताना, क्या बचपन में तुम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का पूर्ण वर्ग मेथड? द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का पूर्ण वर्ग मेथड पढ़े थे ना? तीन मेथड पढ़ाया गया था। एक क्या पढ़ाया गया था? एक स्प्लिटिंग वाला, ब्रेक करने वाला, ठीक है, एक ब्रेक करने वाला, एक सिद्धराचार्य पढ़ाया गया था, एक पूर्ण वर्ग विधि बताया गया था। बताया गया था ना, याद है? बचपन वाली बातें सब कुछ याद रहता है, लेकिन ये सब पढ़ाई वाली बात भूल जाते हो तुम लोग, पढ़ाई वाली बात भूल जाते हो, बाकी सब कुछ याद रहता है। बात सही है ना? अच्छा ये बता, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे बचपन में? सही बोल रहे कि नहीं? पूर्ण वर्ग मेथड, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का पूर्ण वर्ग मेथड पढ़े थे ना? बोलो चैंपियन। जब पढ़े थे तो उसी का क्या करेंगे, कैसे करते हैं, उसी का एप्लीकेशन है। तो एक बार हम पूर्ण वर्ग बनाना सिखा देते हैं। हम जानते हैं बचपन में पढ़े हो, भूल गए होगे, तो एक बार पूर्ण वर्ग बनाना हम सिखा देते हैं। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाए? कैसे पूर्ण वर्ग पर ध्यान से देखना। पहले एक्स स्क्वायर के साथ क्या नंबर है? नाइन है। नाइन को सबसे डिवाइड कर दो, इधर भी नाइन नाइन कट गया, बचा एक्स स्क्वायर। थ्री से काटोगे, थ्री टू जा और ये थ्री थ्री जा नाइन,
किसी का जीरो में डिवाइड, जीरो में डिवाइड करो किसी का जीरो हो जाएगा, जीरो किसी नंबर का जीरो में डिवाइड करोगे जीरो हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, देखो यहां टू है, मान लो टू नहीं रहता, हम जनरल प्रोसेस बता रहे हैं, एक टू का मल्टीप्लाई कर दो, एक बार टू का मल्टीप्लाई, एक बार टू का डिवाइड, इस टू टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, इस टू और इस टू का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, अब देखना एक्स स्क्वायर, अब देखो टू और एक्स को लिख लो यहां पे, और इसके बीच में क्या बचा, टू इंटू टू इंटू थ्री, टू टू कट गया, बचा क्या, वन बाई थ्री, टू और एक्स के बीच में क्या बचा है मेरे चैंपियन, टू और एक्स के बीच में क्या बचा है, वन बाई थ्री, टू और एक्स के बीच में जो बचता है उसका एक बार प्लस स्क्वायरिंग को प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, तुम्हारा बनकर तैयार है। एक बार देखो टू और एक्स के बीच में जो भी बचता है, जो भी नंबर बचता है उसका एक बार प्लस करते हैं स्क्वायर को, एक बार माइनस करते हैं, ठीक है। अब देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर माइनस एलसीएम लो कितना आ जाएगा, नाइन, नाइन प्लस फाइव, कितना आ जाएगा, चार। बन गया पूर्ण वर्ग, बन गया पूर्ण वर्ग ना, कहानी खत्म, बस इसी तरह बनाना है तुमको, इसी तरह क्या करना है, बनाना है। एक और क्वेश्चन दे बनाओगे, एक और क्वेश्चन दे रहे बनाओ तो, ये इसका पूर्ण वर्ग बनाए दिखाओ, पूर्ण वर्ग बनाओ, जल्दी से इसका पूर्ण वर्ग बना दो, फिर आएंगे क्वेश्चन पे। पूर्ण वर्ग जल्दी से बना दो, कितना आएगा, जल्दी से बनाओ पूर्ण वर्ग, चलो देखो पूर्ण वर्ग बना लिए होगे, हम बनाते हैं अब क्या करेंगे, यहां देखो टू से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, टू टू कट गया, एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। अब अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप होता है टू से यहां मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, कहानी खत्म इसका। एक्स स्क्वायर इस टू को आगे लिख लो, इस वाले टू को आगे, इस वाले टू को आगे, एक्स को यहां पे, बीच में क्या बचा, वन बचा, और नीचे क्या बचा है, फोर बचा, टू और एक्स, टू और एक्स के बीच में क्या बचा, वन बाई फोर, तो वन बाई फोर का स्क्वायर एक बार प्लस करो,
ये बताना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन बाई फोर का होल स्क्वायर, ये वन माइनस सिक्सटीन एलसीएम लो क्या हो जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस वन दो आठे सोलह, दो आठे सोलह, आठ तरीके चौबीस, एक्स प्लस वन बाई फोर ये आ जाएगा। इसका कहानी, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसका कहानी खत्म, इससे कहानी खत्म। अब आते हैं चैंपियन क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है आप समाकलन करिए इसका, बोल रहा है समाकलन करिए। देखो कैसे किया जाता है समाकलन इसका, इसका अंदर वाले का पूर्ण वर्ग बनाओ, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, कुछ नहीं करेंगे, टू का मल्टीप्लाई करेंगे, टू का डिवाइड, टू का मल्टीप्लाई डिवाइड, ऑलरेडी एक टू है, एक्स को दूर लिख दिए, ये टू टू कट गया, यही बचा ना चैंपियन, टू को आगे लिख दिया, एक्स को यहां लिख दिया, वन हो गया, डीएक्स हो गया। ये देखो ये क्या हो जाएगा, अब जो टू और एक्स के बीच में बचता है उसका क्या करते हैं, बोलो भाई, उसके स्क्वायर को एक बार प्लस एक बार माइनस, यही ना करते हो। अब इतने नंबर को देखो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी लिखा है ना, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस वन प्लस टू ना, माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखना, माइनस प्लस वन आ गया, प्लस वन का स्क्वायर लिख सकते हो आप अंदर वाले को, टी पहले जो क्वेश्चन जैसे करते आ रहे थे वैसा बन गया, अंदर वाले को क्या लेट करोगे, मानोगे, माना टी इक्वल टू एक्स प्लस वन, डी टी इक्वल टू हो जाएगा डीएक्स, डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डीएक्स। तो समाकलन टी स्क्वायर प्लस वन क्या हो जाएगा इसका समाकलन करोगे तो, लॉग ये अंडर रूट नहीं रहता है, लॉग टी किसको लिए थे बताओ जल्दी से, एक्स प्लस वन को ना, ठीक है, ये टी का स्क्वायर होता है, टी का स्क्वायर हो जाएगा इतना प्लस सी, कहानी खत्म इसका। इस टाइप का आया क्वेश्चन तो बना सकते हो कि नहीं चैंपियन बताओ, इस टाइप का क्वेश्चन बना सकते हो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं,
ये दिया है dx अपॉन dx अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस वन ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में x माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, dx अपॉन एक ब्रैकेट में x माइनस वन दूसरे ब्रैकेट में x प्लस वन हो जाएगा। बोलो भाई, देखो जल्दी से, पहले इसका इसका मल्टीप्लाई करते हैं। प्लस टू हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। अब इसका क्या बनाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर, तो पूर्ण वर्ग, तो जल्दी से बना दो। बनाओ जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस टू का इंटू करते हैं, यहां पे टू का इंटू किया तो टू का डिवाइड भी करना होगा, टू टू और एक्स, टू और एक्स के बीच में क्या बचा, थ्री बाई टू, टू और एक्स के बीच में क्या बचा है, थ्री बाई टू बचा है ना। थ्री बाई टू का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, थ्री बाई टू का होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कर दो आप, क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा, नाइन बाई फोर प्लस टू, टू बाई वन। इसको सॉल्व करते हैं, डीएक्स अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस थ्री बाई टू, एलसीएम लेकर कितना हो जाएगा, फोर माइनस नाइन प्लस वन फोर एट हो जाएगा, एट हो जाएगा ना। एक्स माइनस थ्री बाई टू का होल स्क्वायर, माइनस नाइन में से एट जाएगा तो वन बाई फोर आएगा एलसीएम। तो ये देखो चैंपियन, इसको वन बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हो, वन बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हो ना, इसको टी लेट कर लो, अंदर वाले क्या मानोगे, माना डी टी अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा, अवकलन करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स का वन और इसका जीरो हो जाएगा, जीरो लिखने कोई मतलब नहीं है, डी टी इक्वल टू डी एक्स हो गया। डी टी की जगह डी एक्स की जगह डी टी, माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला, जल्दी से बताओ चैंपियन, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो जल्दी से, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कौन सा फॉर्मूला, भूल गए ना अभी, बोलो बोलो जल्दी कमेंट में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बोलो चैंपियन। यार दो फार्मूला सेम नहीं बताया था, बोला था कि यहां प्लस हो या माइनस हो तो वही लगाना है, लॉग
टी की वैल्यू कितनी है? प्लस सी हो जाएगा, प्लस सी हो जाएगा, बताओ इतना हो जाएगा ना? बोलो भाई, बोलो चैंपियन, इतना हो जाएगा? चल अब इस टाइप का लगा लोगे ना, अभी पार्शियल बचा है, उसके बाद क्या है फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब जल्दी से इंटीग्रेशन जल्दी जल्दी बढ़ता जा रहा है मेरे भाई, जल्दी जल्दी समाप्त भी हो जाएगा। उम्मीद यही है कि तुम लोग अच्छे से कर रहे होगे, उम्मीद क्या है कि अच्छे से कर रहे होगे, ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं चैंपियन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ, और भी अच्छे कंसेप्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू मेरे भाई। लेकिन एक बात ये बता दो कि पढ़ रहे हो कि नहीं, मैंने तुमसे 3 घंटे मांगे थे, 1 घंटे मेरा लेक्चर देखो, 2 घंटे अपने से क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं आ रहा है, यही लेक्चर बार बार यही लेक्चर वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो इतने अच्छे से समझ में आएगा ना। जो इतना कर रहा होगा ना वो 90+ के बाद 90+ ही में जाएगा। कोचिंग वोचिंग जाने कोई जरूरत नहीं है मेरे चैंपियन। हम कहते हैं कि यहां थोड़ा बहुत मान लो डाउट बच जाता है, ऑनलाइन में थोड़ा बहुत डाउट रह भी जाता है ना, कमेंट में लिख दिया करो। नहीं लिख पाते हो, स्कूल जाते हो ना, अपने सर से थोड़ा सा हिंट ले लिया करो, वहां भी तो जाते हो, अपने सर से हिंट ले लिया करो, और यहां मन लगा के पढ़ो। देखो सारे बेहतरीन टीचर है यहां पे सारे बेहतरीन टीचर है, और मैथ का सिलेबस तुम लोग का पैरेलल चल रहा है। अशोक सर उधर लेके चल रहे हैं, हम इधर लेके चल रहे हैं, दोनों लोग खत्म करके भाकड़ रिवीजन कराया जाएगा। इतना बेहतरीन रिवीजन कराया जाएगा ना कि पूछो ही ना, समझ रहे हो ना? इतना बेहतरीन रिवीजन कराया जाएगा कि पूछो ही ना, क्योंकि हम लोग अगर चला रहे हैं तो 90+ के नीचे तो हम लोग लाते ही नहीं बच्चों को। मेहनत इतना करवा देंगे ना कि 90+ के नीचे तो आओगे ही नहीं, जब भी आओगे 90+ ही आओगे, समझ रहे हो? 90+ ही आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और एक बार मेहनत करो भाई, ये जान लो जो करोगे उसी का रिजल्ट आएगा। संघर्ष करोगे तो संघर्ष का रिजल्ट आएगा, संघर्ष नहीं करोगे तो बिना संघर्ष वाला रिजल्ट आएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात को? बात को समझ रहे हो ना? इसीलिए बोला जा रहा है कि संघर्ष करो तब अच्छा रिजल्ट आएगा भाई, बिना मेहनत के फल नहीं मिलता। खेती करोगे तुम घास की, सोचोगे गुलाब का फूल निकले, उसमें से गुलाब का फूल आए, तो ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर। मेहनत नहीं करोगे तो कहां से नंबर आएगा? मेरी बातों को ध्यान से सुनना। खेती करोगे घास की, घास बोगे तो क्या काटोगे गुलाब का फूल? नहीं ना, घास ही ना आएगा, तो वही तुम गलती कर रहे हो पढ़ने ना पढ़ने का। और एग्जाम के टाइम के बाद रिजल्ट आता, तुम लोग सोचते हुए कितना अच्छा नंबर आ जाए। भाई तुमने किया क्या है अच्छे नंबर के लिए? क्या किया कि तुम्हारा अच्छा नंबर आए? कुछ नहीं किया है। अगर हमारे साथ लगे हो, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो बहुत कुछ किया है तुमने। लगे हो ना, एग्जाम तक लग जाओ ना, तो 90+ ही आएगा। देखो इतना धाकड़ रिवीजन क्लास चलाएंगे हम लोग जल्दी से, इसीलिए खत्म किया जा रहा है। अशोक सर उधर चला रहे हैं, हम इधर चला रहे हैं, इसलिए जल्दी से खत्म कराया जा रहा है कि फिर रिवीजन ही रिवीजन दिया जाए, इतनी बार रिवीजन किया जाए कि बोर्ड को औकात नहीं होगा कहीं बाहर से क्वेश्चन ला दे। यहां पर 10 बार लिखा हुआ क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। हर साल का क्या है, हर साल का क्या है, हर साल का रिजल्ट हम लोग देखते हैं, हर साल रिजल्ट देते हैं हम लोग, तो इस बार भी रिजल्ट दिया जाएगा। बस नंबर अब बच्चे हर साल बढ़ते जाते हैं, इस साल भी 2 गुना लाया जाएगा बच्चों को, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो कि नहीं? तो उसके लिए तुम्हारा एक सपोर्ट चाहिए, जितना जल्दी सपोर्ट, जितने अच्छे से सपोर्ट करोगे उतना अच्छा तुमको प्रॉफिट होगा।
ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आई होप की रिविजन करके आओगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर चले बता, चलो चलते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में मत भूलना कि कैसी क्लास लगी और कहां डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए थैंक यू।